लेकिन अभी हमारे साथ रेड कार्पेट पर जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं। अगर सियासी मंजरनामे का जिक्र हो तो मियां महमूद रशीद की भी बात होती है, तो उनसे बात करते हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको। और नियो न्यूज ने कामयाबी का जो ये सफ़र तय किया है, सहाफत की दुनिया में जिस तरह से अपना नाम बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नियो को, नियो की मैनेजमेंट, वर्कर्स को उसकी दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि इस मुख्तसर से मुद्दत में, पिछले एक डेढ़ साल के अंदर, जिस तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल की है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपके सियासी तज्जिए हों, दीगर प्रोग्राम हों, बाकी जो लोग आम हर तबका जो है उसका ये पसंदीदा चैनल ये बन गया है। और इसमें मेरा ख्याल है कि इसकी मैनेजमेंट, इसके तमाम वर्कर्स, उसकी जो शबाना रोज़ मेहनत है, ये उसका नतीजा है कि उसने जियो को चंद जो सर फहरिस्त और सफ़े अव्वल के जो चैनल्स हैं उनमें ला खड़ा किया है। मेरी हज़ारों दुआओं जियो के, नियो के और उनके जो कारकुनान हैं उनके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि अपना तरक्की का ये सफ़र जो है नियो वो जारी रखेगा और एक दिन इंशाल्लाह ये सफ़े अव्वल का चैनल बनेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी दुआएं, जिस तरह कि आपने देखा कि हमारे गेस्ट अभी यहाँ पर आ रहे हैं रेड कारपेट पर।